बहुत उत्साह में दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग। आज चुनाव का अंतिम प्रचार का दिन है, कैसा लग रहा है चुनाव को लेकर? बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा है इस बात का कि ये मुखिया जो हैं बहुत अच्छा काम करके और इन्होंने फिर से चुनाव लड़ने का सोचा है, तो मैं इनको फुल सपोर्ट करती हूँ। मेरे पूरे भी जो भी है पटना पंचायत की जितनी भी जनता है सब इनको सपोर्ट करती है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसके वजह से इनको सपोर्ट सब लोग कर रहे हैं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इनमें क्या अच्छाई क्या है? इनमें एक एक ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनमें बुराई है, बुराई है ही नहीं, तो सब अच्छा ही है इनमें, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सबको जो गरीब लोग थे उनको घर देना, एक एक गली गली में रोड बनवाना, शिक्षा को ऊंचा उठाना, सारा काम इन्होंने अच्छा किया, सारा काम सबको, एक एक बुजुर्ग को बच्चे को कैसे मान सम्मान किसको किस हिसाब से रखना चाहिए, उनको छोटे से बच्चे भी आते हैं उनको भी ये रे करके नहीं बोलते हैं। पहले के जो मुखिया थे उन्होंने तो रे करके बोला है, लेकिन इन्होंने सबको आप करके बोलते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो कुछ भी हो, मतलब सम्मान मिल रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा सम्मान। इंकलाब जिंदाबाद, बिरादर शर्मा जिंदाबाद, प्रस्ताव जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा। सुनिए 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 सुनिए, सिर्फ योजनाओं का जमीन पर उतार देने से समाज का विकास होता है? नहीं, सबसे पहले तो शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का अगर आप विकास कीजिएगा तो सारा चीज का विकास हो। इन्होंने शिक्षा का भी विकास किया ना, जनता हाई स्कूल में 10+2 का दर्जा दिलवाया, इससे बढ़ के तो कोई विकास ही नहीं है। सबसे पहले तो इन्होंने बच्चों को, जो जो गरीब के बच्चों हैं वो तो नहीं जा सकते बेगूसराय पढ़ने के लिए, उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बेगूसराय भेज सकते। इन्होंने 12th का यहाँ पे डिग्री दिलवाया कि चलो बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं वो यहाँ कम से कम 12th भी तो कर सकते हैं। आगे करके धीरे धीरे इसी तरह विकास होते चला जाए, एक बार तो सारा चीज का विकास। इन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा काम किया, विवादित जमीन को, विवादित जमीन को इन्होंने सब कुछ अच्छा करवा के रखा, इन्होंने स्कूल वहाँ पे खुलवाया, ये वो बहुत काम किया इन्होंने, क्या ही बोले। अब और भी जनता है सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। अच्छा ठीक है, आप लोग बताइए, आप बताइए कैसा मुखिया है? बहुत अच्छा मुखिया। क्या लग रहा है आपको, आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इनका तो जोड़ाना है सर, ये बहुत जानते हैं, इनका जो विशेषता है इस समाज में हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, इनका तो जोड़ा है, जोड़ा ना है पंचायत में, जो जिस तरह ये काम किए हैं ना पटना पंचायत में, और सब लोग को मिला के चलते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सबको इज्जत करते हैं। अच्छा, आप सब लोग यहाँ पे उनके समर्थन में खड़े हैं या उनको देखने के लिए? जी नहीं, उनके समर्थन में उनके साथ खड़े हैं जी। जीतेगा भाई जीतेगा, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद पटना का मुखिया कैसा हो, आम जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद भैया मत घबराना, जिंदाबाद भैया मत घबराना, पटना पंचायत का मुखिया कैसा हो, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई आपस में भाई भाई, भाई। ये देख रहे हैं कि ये जो उनके समर्थक हैं और इनके समर्थन में पूरी जनता खड़ी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ के प्रत्याशी जो हैं, मुखिया निवर्तमान मुखिया हैं, लगातार आपको जन समर्थन प्राप्त हो पा रहा है, क्या वजह है कि इतने सारे लोग आपके पीछे आपके दीवाने बने हैं? देखिए, जो पूर्व मुखिया जी थे उनका लैंग्वेज बहुत गलत था, बहुत ही गलत था, जीवन में हम कभी राजनीति किए नहीं थे। उसके बाद यहाँ के समाज के जो थे भूतपूर्व मुखिया जी, उन्होंने मुझे खींच के दिल्ली से बुलाया कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, हम चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हुए। उसके बाद पूरे जनता का पूरा समर्थन मिला, 16 में हम 49 वोट से जीत हुए। जीतने के बाद फर्स्ट फेज में तो थोड़ा सा लगा कि मतलब कैसे हम क्या करेंगे, लेकिन धीरे 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 जब काम किए और समाज लोगों से मतलब पता चला कि यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ ये परेशानी है, तो उसके बाद काम करते गए, करते करते मतलब अनुभव होते गया, उसके बाद काम हम किए। उसके बाद पिछले 4 महीना से डोर टू डोर मेरा कैंपियन था, आशीर्वाद यात्रा डोर टू डोर, और हर एक घर पे जाके 3 से 4 राउंड हम गए आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद मुझे इतना प्राप्त हुआ कि मेरा आत्म जो है बल पूरा बढ़ गया। ठीक है, बाकी रहा विकास के बाद, विकास मेरा पंचायत में जो है विद्यालय का स्थिति बिल्कुल जर्जर था, शायद आप देखे भी होंगे,
कमीशन खोरी के चक्कर में मेरा भवन नहीं बन पा रहा था। उसके बाद दो साल जब हम पूरा संघर्ष किए, डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी से जब जाके मिले पटना में, पटना में 6 फरवरी को मिलते हैं, 12 फरवरी को पैसा आवंटन होता, उसके बाद आज आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग कितना बन रहा है। रही बात बोंडी, थोड़ा सा बचा हुआ इस विद्यालय का भी। और पिछले पंचवर्षीय में कुछ काम ऐसे भी होते हैं, हर जगह होते हैं, परना की ही बात नहीं है, जो कुछ काम आप करने को उत्सुक तो होते हैं लेकिन वो छूट जाता है, अधूरा रह जाता है। ऐसा अभी तक कोई काम नहीं है, सिर्फ एक है काम तो पंचायत सरकार भवन का, जो मेरे कार्यकाल में रुका, वो भी न्यायालय के यहाँ पे पेंडिंग है मैटर, वो भी मतलब लग भीड़ के उसका भी निराकरण निकाल के पंचायत सरकार भवन भी बनाएंगे। और उसके बाद स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो है NOC लिए हुए हैं और ऊपर बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र के इच्छुक नहीं हम लोग चाह रहे हैं कम से कम 30 बेड का हॉस्पिटल आवे, इसके चक्कर में स्वास्थ्य उपकेंद्र को जो हॉल्ट पे रखे हुए हैं। सब जगह हमने प्रचार देखा, आज प्रचार का अंतिम दौर है जी, अंतिम दिन है और कल के बाद परसों वोटिंग होनी है जी। जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से यही अपील करेंगे, जो आप हमें जो आशीर्वाद आप दिए हैं, एक एक मत किसी के झांसे में न आके, एक एक मत, हरा कलर का जो बॉक्स होगा उसमें मुखिया का मशीन होगा, उसमें क्रमांक संख्या 7 पे बरस छाप होगा, आप अपना आशीर्वाद स्वरूप बरस छाप पे जो है बटन दबा के भारी से भारी मतों से विजय बना के फिर से पुनः प्रेम विचार दोबारा लाने का कृपा करें। इसके आगे एक सूचना जानकारी हमें मिली है जी, कि कुछ कैप वगैरह टोपी वगैरह बांटे जा रहे हैं जिसमें दूसरे छाप को दूसरे छाप पे लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि हम लोग एक हैं, ऐसी कुछ हवा फैल रही है, मेरे पास सबूत भी है। सबूत है, देखिए वो जो है पूर्व मुखिया जी जो हैं वो काफ़ी तरह का जो है हथकंडा अपनाएंगे, ठीक, जैसे कि वो बोलते हैं कि हम 500 वोट से जीत रहे हैं, जिस खेत में नमी रहेगा उस खेत में कोई किसान पानी पटाएगा, जिस खेत में सुखाड़ रहेगा उस खेत में पानी पटाएगा, तो यहाँ गेम प्लान है वो बहुत बुरी तरह से हारे हुए हैं और हारते जा रहे हैं, इसलिए अनाप शनाप मतलब खेल करके चाहते हैं किसी तरह से एक समुदाय को हम गोल करें, वो चीज़ आज इस बार नहीं होगा। जात पे ना पात पे बटन देवेगी क्रमांक संख्या 7 पे प्रेम विचार के संस्कार पे। बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये परना पंचायत में वीरेंद्र शर्मा का रोड शो आज हो रहा है, आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का और उसमें जो जन सैलाब उमर करके सामने आया है वो दिखाता है कि पिछला पंचवर्षीय कैसा रहा है, और भी कई लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है आपको इस बार के चुनाव, बड़ी टोपी उपी लगा के बैठे हुए हैं? मुखिया जी बदामन मुखिया जी जीतेंगे। क्यों जिताएंगे आप इनको? अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। अच्छा आपको क्या लगता है? काम अच्छा किए हैं, जीतेंगे मुखिया जी। मुखिया जी जीत जाएंगे? हाँ मुखिया जी जीत जाएंगे, बहुत काम किए हैं, घर भी दिए हैं, रोड भी बनवाए हैं, और आदमी की जो परिस्थिति आता है उसमें काम आते हैं। आपको कुछ फायदा मिला? बहुत फायदा मिला। क्या सब मिला? हमको घर मिला है, रोड बना दिए हैं, बहुत फायदा मिला। हाँ बहुत मिलता है, पेंशन हमको नहीं मिलता है, हम लिखाइबे नहीं किए तो पेंशन कहाँ से मिलेगा? आप भी बड़ी टोपी लगा के घूम रहे हैं, बरस छाप में ऐसा क्या है कि आप बरस छाप का टोपी पहने? मुखिया जी जब से 5 वर्षीय से रहे हैं, जब से जीते हैं, अभी तक मैं बहुत परना पंचायत में बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, जितना उनको सरकारी फंक्शन मिला है सब लोग को घर घर पहुँचा चुके हैं। आपके पंचायत में सुनने को मिलता है कि दारू शराब भी बांटा जी? नहीं, कोई कहे हवा बना रहा है, गलत विरोधी लोग, ऐसा कुछ ना कहें, एक कलम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं ना, एक कलम नहीं है अभी तक। अच्छा बाबा आप तो बहुत बुजुर्ग हैं और आपके पास काफी अनुभव है, कई सारे पंचायत चुनाव को आपने देखा भी होगा, कई मुखिया आपके सामने आए और गए, इनके कार्यकाल को आप कैसा देख रहे हैं? इनके कार्यकाल को देखा, जो काम 4 गो मुखिया ने किया आज तक, 4 गो मुखिया जैसे वहाँ एगो रोड है काली स्थान वहाँ तक, जो काम 4 मुखिया नहीं किया वो काम वीरेंद्र मुखिया करके दिखाया। क्या लगता है, लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन हो जाएगा? हाँ, लोग कहते हैं कि वीरेंद्र शर्मा इस बार जीत नहीं पाएंगे। जरूर जीतेंगे, श्योर। हाँ श्योर जीतेंगे।
और सुनिए, सुनते हैं तो पूरी बात सुनिए। हमारे गांव में जो मध्य विद्यालय था जर्जर हो चुका था, गिर गया था, किसी मुखिया से स्कूल बनाना नहीं हुआ। वीरेंद्र शर्मा ऐसा मुखिया हुआ जो सुशील कुमार मोदी से लड़ करके फंड लाया और स्कूल देखिए आज चमक रहा। ये वीरेंद्र शर्मा का मुखिया का देन है। दूसरी बात सुनते हैं तो हमसे पूरा सुनिए जी, बोलिए ना। क्रिकेट का रन होता है ना, जिसका रन ज्यादा होता है उसका जीत होता है। बिल्कुल। हमसे लोग प्रश्न करते हैं तो हम उनको जवाब देते हैं कि क्रिकेट में जिसको रन होता है उन्हें जीता है। तो इसको वीरेंद्र शर्मा का रन को देखिए, कितना रोड बनाया, जो ज्यादा रोड बनाया उसका रन ज्यादा हुआ, जो ज्यादा घर दिया जनता को, ये इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री योजना, जो ज्यादा दिया उसका रन ज्यादा हुआ, जो लाभार्थी योजना को ये क्या कहते हैं वृद्धा पेंशन वगैरह वगैरह जितना काम जो ज्यादा दिया उसका रन ज्यादा हुआ। इसलिए वीरेंद्र शर्मा का रन ज्यादा है इसलिए इसका जीत होना चाहिए। बाबा बाबा बाबा, आपको पंचायत में विकास नजर आ रहा है? विकास हर जगह तो विकास ही विकास है, एको को पत्ता सूखा नजर नहीं आ रहा है। एको को पत्ता सूखा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, कहाँ विकास नहीं है वो हमको बताइए। परना पंचायत में? हाँ, परना पंचायत लोग जो कैसेट से प्रचार कर रहे हैं, हाँ, उसमें बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम दुनिया जहान की बात, हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है यहाँ। मामला है जो आपस में इनका प्रेम है, वो प्रेम ही सबको काट डालता है। प्रेम छोटा है तो बउआ है, ये तो कहते हैं कि प्रेम विचार, बस प्रेम विचार ही प्रबल है। अच्छा, प्रेम विचार से कितने लोग समर्थन करते हैं? एक बात और सुनिए, विचार बहुत होते हैं लेकिन ठीक, आप बोलिए ना, आपकी आवाज आ रही है। प्रेम विचार सबसे बड़ा विचार है। वीरेंद्र शर्मा का सिद्धांत है प्रेम विचार, और प्रेम विचार से हम लोग उसको तहे दिल से समर्थन करते हैं और सारी जनता समर्थन करता है। बोलिए, वीरेंद्र शर्मा का समर्थन करते हैं कि नहीं करते? आप भी इस भीड़ में हैं, आपको कुछ फायदा मिला? मेरे फायदा मिला सर। क्या सा मिला फायदा? घर को फंड मिला, रोड को फंड मिला, सब चीज को सहयोग किए। तो मतलब मुखिया कैसा है? बहुत सुंदर है, बहुत परम विचार है। तो क्या करना होगा इस बार? इस बार उनको मुखिया बनाना है। फिर से बनाएंगे? बनाएंगे पक्का पक्का, परम विचार फिर बनेंगे। ऐसा आपके मन में इसलिए आता है कि उन्होंने आपके लिए भी बढ़िया काम किया, समाज के लिए भी अच्छा काम किया? बहुत किया, नहीं बहुत अच्छा काम किया। समाज को जोड़ के चलना, जोड़ के चलना है। ठीक, एक बात बताइए, आप तो युवा हैं, समाज में युवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, समाज को विकास में जोड़ने का एक बड़ा माध्यम होता है युवा वर्ग, क्या लगता है? एकदम न्यूट्रल बोलना है, भीड़ को मत देखिए, देखने को भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आप बताइए न्यूट्रल, वीरेंद्र शर्मा का कार्यकाल कैसा रहा? वीरेंद्र शर्मा जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, जहाँ तक सभी वर्ग के बच्चे हो बूढ़े हो सभी को एक साथ लेकर चलते हैं, किसी साथ भेदभाव की भावना नहीं रखते हैं। ये है मैंने गरीब है गरीब है ये साथ कोई बात नहीं है, बच्चों सबको सम्मान, सबके सबका विकास, सबका एक साथ लेकर चलते हैं, सबको एक साथ लेकर चलते हैं। तो ये नहीं है जो बच्चे हैं बूढ़े हैं सब सबका सम्मान देते हैं। तो बाकी जो प्रत्याशी दावा कर रहे हैं जी, उस दावे को आप कैसे देख रहे हैं? बाकी प्रत्याशी दावा कर रहे हैं लेकिन हवा हवाई में दावा हो रहा है, ऐसा कोई जमीन हवा नहीं है। होगा क्या? तो होगा, वीरेंद्र शर्मा के पक्ष में सारे जनता रहे हैं।